तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एक न्यू बिल्ड स्टार्ट कर रहा हूं मैं अपनी बलिनों के लिए। मैं फ्रेंड्स, मुझे बहुत मुश्किल लिए ओरिजिनल 3-3 इंच के प्रोजेक्टर्स मिले हैं, बाय ज़ेनॉन प्रोजेक्टर्स। आप देख सकते हैं इसमें ये सोलेनोइड लगा हुआ है, मतलब ये सेम प्रोजेक्टर हाई बीम और लो बीम दोनों में वर्क करता है। ये प्रोजेक्टर फ्रेंड्स हमारे पास जो बलिनो का टॉप मॉडल आता है, एल्फा मॉडल आता है, और जो एस क्रॉस का टॉप मॉडल आता है जिसमें प्रोजेक्टर्स आते हैं, जिस मॉडल में जिसमें बाय ज़ेनॉन प्रोजेक्टर्स आते हैं, ठीक है, ये उसमें लगा होता है। तो ये बहुत मुश्किल मुझे बहुत ढूंढने पर मिला ये प्रोजेक्टर, और ये ओरिजिनल प्रोजेक्टर है। आप देख सकते हो इसके लेंस पे ये इस तरह का टेक्सचर बना हुआ है, ठीक है। और ये दो प्रोजेक्टर्स मैं लगाऊंगा अपनी बलिनों में, बट फ्रेंड्स मैं इसको लगाऊंगा कहाँ पर? मैं इसको फॉग लाइट्स में लगाऊंगा। मैं आपने देखा होगा मेरी, और अगर आपने मेरी पहले भी वीडियोस देखी हैं तो मैंने अभी अभी हेडलाइट के लिए वो मल्टी कलर बल्ब मंगवाए थे, वो लगाए हैं अभी बॉसला के। तो मैं फॉग लाइट, मेरे पास जो लगी हुई हैं वो चाइनीज़ फॉग लाइट्स हैं, जिसमें फ्लैशर फंक्शन भी मैंने आप लोगों को पहले दिखाया हुआ है वो भी प्रोजेक्टर फॉग लाइट्स हैं, बट उनकी विजिबिलिटी कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है। मीन्स तो उसका उसके अंदर डेविल आई और एंजल आई भी है, अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड है आप देख सकते हो मेरे चैनल पर दूसरा वीडियो। तो फ्रेंड्स ये ओरिजिनल हाई बीम लो बीम निकालने वाला प्रोजेक्टर है जो हेडलाइट के अंदर लगा होता है। इवन जो हमारी प्रीमियम कार्स होती हैं उनके अंदर भी हमारे पास यही प्रोजेक्टर लगा होता है, ठीक है। ये 3 इंच का प्रोजेक्टर है, नॉर्मल हमारे पास 2.5 इंच का लगा होता है, 2.5 इंच का लगा होता है, ये उससे भी बड़े वाला है। और फ्रेंड्स इसके साथ ओरिजिनल मेरे पास ये ट्यूब्स हैं, ठीक है, DATS ट्यूब है, ये DATS मॉडल है जो इसके अंदर ओरिजिनल ट्यूब लगती है। ये फ्रेंड्स ट्यूब भी काफ़ी कॉस्टली है, अगर आप मारुति वालों से पूछोगे तो ये 5500 K की HID ट्यूब है, ओरिजिनल ऑसराम की, ठीक है। ये दो ट्यूब्स हैं मेरे पास, आप ये देख सकते हो इसकी डिटेल्स, ठीक है। ये दोनों ट्यूब्स हैं हमारे पास, 25 वॉट की है ये, और ये 6000 K नहीं है, 6000 K से थोड़ा वार्म कलर होता है जो ओरिजिनल आप लोगों ने देखा होगा, ये 5000 या 5500 K इसका कलर होता है। और साथ में इसके ये ब्लास्टर्स हैं, ठीक है, HID के जो ब्लास्टर्स हैं ये भी देख सकते हो आप हमारे पास, ये ब्लास्टर्स की हमारे पास जो है स्पेसिफिकेशंस हैं, ये भी ऑसराम के ओरिजिनल है। साथ में इनके कनेक्टर्स हैं, ठीक है। ये कनेक्टर हमारे पास ट्यूब का है, ट्यूब में लगता है। ये हमारे पास जो सोलेनोइड है हाई बीम करने वाला प्रोजेक्टर से, और ये उसका हाई बीम लो बीम कनेक्टर है, ठीक है। ये दोनों प्रोजेक्टर्स, दोनों HID के मेरे पास ये ब्लास्टर्स हैं। सबसे पहले मुझे इन्हें वाटरप्रूफ करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं अगर मुझे फॉग लाइट में ये लगाने हैं तो इन्हें मैंने मुझे वाटरप्रूफ करना पड़ेगा। तो वाटरप्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पे ये एल्युमिनियम डक्ट टेप लेकर आया हूँ, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पे लोकल बहुत मुश्किल मिली है, ऑनलाइन तो काफ़ी कॉस्टली थी। तो फ्रेंड्स ये वो सिंगल बीम प्रोजेक्टर है जो हमारे पास सियाज और ब्रीजा में डला हुआ आता है, 2.5 इंच का, ठीक है। आप देख सकते हो इसका लेंस उसके कंपैरेटिवली छोटा है जो बाय ज़ेनॉन प्रोजेक्टर मैंने भी आपको दिखाए। तो इसके अंदर बेसिकली फ्रेंड्स ये सिंगल बीम होता है, इसमें कोई सोलेनोइड नहीं लगा होता आगे और पीछे। ये प्रोजेक्टर सिर्फ लो बीम में चलता है, ठीक है, और हाई बीम के लिए हमारे पास अलग से रिफ्लेक्टर लगा होता है इन गाड़ियों में, जिसमें से हाई बीम निकलती है। तो पल्सर 220 में भी ऐसा ही होता था, उसके अंदर भी हमारे पास लो बीम में प्रोजेक्टर है और हाई बीम के लिए अलग से ऊपर एक लाइट लगाई हुई है, वो रिफ्लेक्टर है, ठीक है। तो सियाज और ब्रीजा में अगर आपने नोटिस करा होगा तो लो बीम में हमारे पास ये प्रोजेक्टर चलता है और हाई बीम में आई थिंक साथ में रिफ्लेक्टर भी ऑन हो जाता है, तो बेसिकली डुअल बीम्स हो जाती हैं वहाँ पे दोनों, ठीक है। और कुछ गाड़ियों में क्या होता है कि ये हमारे पास प्रोजेक्टर बंद हो जाता है और रिफ्लेक्टर ऑन हो जाता है, ठीक है। तो इवन जो मारुति की गाड़ियों में, अभी भी मैंने आपको बाय ज़ेनॉन प्रोजेक्टर दिखाया अपने वाला, वो थोड़ा लोअर क्वालिटी के आते हैं, उनमें आगे ये प्लास्टिक का पार्ट होता है, जो लेंस का पार्ट होता है आगे ये प्लास्टिक का होता है, ठीक है। इसके अंदर ये सारा मेटल का है, ठीक है। ये पल्सर 220 का जो प्रोजेक्टर है इन्होंने अच्छी क्वालिटी का लगाया है, इसमें ये सारा मेटल का है। मेटल के होने की वजह से क्या फ़ायदा होता है कि हम ज़्यादा हैवी वॉटेज की भी इसमें HID ट्यूब्स लगा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हीट एमिट करती है, ठीक है। उससे ये मेल्ट नहीं होंगे प्लास्टिक के, ठीक है, मतलब जो मेटल के हैं ये मेल्ट नहीं होंगे, प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगा। इसके अंदर भी फ्रेंड्स H7 ट्यूब डलती है ये वाली, आप देख सकते हैं इसमें नॉर्मल नॉर्मल हेलोजन ट्यूब डली हुई है। जिन्होंने सियाज में या ब्रीजा में लाइट्स चेंज कराई होगी उनको मालूम होगा कि उनमें उनमें भी हमारे पास जो प्रोजेक्टर के अंदर H7 ट्यूब ही डलती है, H7 मॉडल डलता है, ठीक है।
ये सिंगल बीम प्रोजेक्टर होता है और ये सिर्फ लो बीम के लिए यूज़ होता है। बट हमारे पास जो बलिनो है टॉप मॉडल, और हमारे पास जो एस क्रॉस है, और इवन आई थिंक जो इग्निस का टॉप मॉडल है, उसके अंदर हमारे पास बायज़ेनॉन प्रोजेक्टर्स आते हैं, जिससे दोनों हमारे पास डुअल बीम निकलती है, मतलब लो बीम भी और हाई बीम भी। जैसे आपने प्रीमियम कार्स देखी होगी, ऑडी BMW, उनमें भी बड़ा 3 इंच का प्रोजेक्टर लगा होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कभी वो डिप्पर मारते हैं वो लोग, तो एकदम से आँखों में एकदम वो हो जाता है, लाइट ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि वो प्रोजेक्टर से ही उनकी हाई बीम निकलती है और वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है, ठीक है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैंने ये जो बायज़ेनॉन प्रोजेक्टर थे, इनके ऊपर पहले ये एल्यूमिनियम टेप मैंने रैप करी, फिर मैंने उसके ऊपर ये नॉर्मल वाली जो डबल सेलो टेप है इसे भी रैप कर दिया, ताकि हमारे पास डबल वाटर प्रोटेक्शन हो जाए, ठीक है। फिर उसके अंदर आप देख सकते हो मैंने ये कनेक्शंस के लिए होल्स कट करे कटर से, और मैंने फिर ये ब्लास्टर के कनेक्शंस कनेक्ट कर दिए, ठीक है। ये दोनों प्रोजेक्टर्स जो हैं अभी टोटली वाटरप्रूफ हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये होल्स किए हैं जहाँ पे मैं स्क्रूज़ लगाऊंगा, ठीक है। ये चारों होल्स हो गए, इसके स्क्रूज़ लगाकर फिर मैं इसे फॉग लाइट वाली हाउसिंग में फिट करूँगा, ठीक है। अब मैं आपको ये कंपेयर भी करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारे पास है 3 इंच वाला प्रोजेक्टर, और ये है हमारे पास 2.5 इंच वाला प्रोजेक्टर। अब देख सकते हैं इनमें हल्का फ़र्क है, ठीक है। ये इसका लेंस छोटा है और उसका लेंस बड़ा है, ठीक है। ये नॉर्मल है हमारे पास, इसमें सिंपल ये हमारे पास H7 ट्यूब डली होती है। जिनके पास ब्रीजा है उन्होंने अगर लाइट्स भी चेंज कराई हैं, सियाज से लाइट्स चेंज कराई है, तो आपको पता होगा कि H7 ट्यूब डलती है उनमें, ठीक है। ये वही H7 ट्यूब डली हुई है इसके अंदर, बट ये हैलोजन ट्यूब है हमारे पास, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मैं एक और इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इसकी पहले टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, और फिर मैं आपको इसको गाड़ी में बलिनो फिट करके दिखाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।